क्लासेस चैप्टर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। टुडे वी डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ट्रांसपेरेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी मटेरियल आर ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ऑपेक। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। व्हाट आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल? ट्रांसपेरेंट कौन से मटेरियल है? मटेरियल इन विच लाइट कैन बी इजीली पास इन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जिस मटेरियल में से लाइट आसानी से पास हो जाती है वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स इन विच लाइट कैन बी पार्शियली पास, जिसमें से लाइट का कुछ अंश पास होता है वो कहलाता है ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ओपेक मटेरियल, ओपेक मटेरियल आर दोज मटेरियल इन विच लाइट कैन बी पास, वो मटेरियल जिनमें से लाइट पास नहीं होती है उसको हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम एक मटेरियल को रख लें और उसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, तो हमें यदि वो ऑब्जेक्ट साफ साफ क्लियर दिखाई पड़ता है, इट मीन्स जो मटेरियल है वो हमने क्या यूज किया है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। आप ग्लास रख दीजिए, कांच, ठीक है, तो वहाँ पीछे रखा हुआ मटेरियल, पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई पड़ता है कहलाएगा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यदि पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई पड़ता है तो वो कहलाएगा मटेरियल जो है वो कैसा है, ट्रांसल्यूसेंट, जैसे कि बटर पेपर। और यदि वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, मटेरियल जो हमने रखा है उसके पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इट मीन्स वो मटेरियल क्या है, ऑपेक। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं किसी दीवार के पीछे कुछ रख दूँ, किसी कार्डबोर्ड के पीछे कुछ रख दूँ तो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, तो वॉल, कार्डबोर्ड आर ओपेक मटेरियल। नेक्स्ट है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा जो होता है गैसेस में होता है। इसको आप एक एग्जांपल द्वारा समझ सकते हैं। यदि आपकी परफ्यूम की बॉटल को आप खोलें तो उसके जो वेपर्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से चार और फैल जाते हैं और हमें बहुत दूर तक परफ्यूम की स्मेल आती है। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मटीरियल्स आर ऑफ टू टाइप, मैग्नेटिक मटीरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। मटीरियल मैग्नेट की अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी के आधार पर टू टाइप के हैं, मैग्नेटिक मटीरियल जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जैसे कि आयरन, एंड नॉन मैग्नेट मटीरियल आर विच डू नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, वो मटीरियल जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है वो कहलाता है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो आ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू द कंडक्शन ऑफ हीट, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन इज ए प्रॉपर्टी व्हेन हीट इज इजीली पासेस फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, वो प्रॉपर्टी जिसमें हीट जो है इजीली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट और वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में पास हो जाती है वो कहलाती है कंडक्शन प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मटेरियल आर टू टाइप, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर क्या है? जिसमें हीट इजीली पास हो जाती है वो गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि मेटल्स, सारे मेटल्स जो हैं
कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे मटेरियल जो है इजीली आग को पकड़ लेता है। अब इस आधार में कुछ मटेरियल जो होते हैं कंबस्टर होते हैं, इजीली आग को पकड़ लेते हैं, उनको हम इनफ्लेमेबल मटेरियल भी बोलते हैं, मतलब आग को जो पकड़ लेते हैं। जैसे कि पेट्रोल, हिंदी में उनको ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, पेट्रोल, स्प्रिंग, कैरोसिन, एलपीजी और आर इनफ्लेमेबल मटेरियल। यहाँ का एक टॉपिक खत्म होता है। आप सब लोग इसको वापस से रीड करेंगे और फिर इसके बाद हम इसके